आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। कौन सा जानवर है जो उसके पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता? तो कंगारू एक ऐसा जानवर है जो उसके पूरे जीवन काल में बिल्कुल भी पानी नहीं पीता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड? तो लाइफ के फिजिकल फेज को क्या कहा जाता है? ए प्रोटोप्लाज्म, बी साइटोप्लाज्म, सी ऑर्गेनेल्स, डी नन ऑफ अबव। तो लाइफ के फिजिकल फेज को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, ये लाइफ का फिजिकल फेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेल इज, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो फर्स्ट है नर्व सेल, ओवम, द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच और नन ऑफ दी अबव। तो ओस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी सेल सबसे बड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? ह्यूमन की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? लीवर सेल, स्किन सेल, स्प्लीन और ओवम। तो ओवम ह्यूमन की सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द लॉन्गेस्ट सेल? कौन सी सेल सबसे लॉन्गेस्ट होती है? नर्व सेल, स्किन सेल, स्प्लीन, नन ऑफ द अबव। तो नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेल्स इन द बॉडी दैट एंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया? तो फेगोसाइट्स ऐसी सेल्स है जो बैक्टीरिया में फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर देती है, वो एंगल्फ कर देती है। तो फेगोसाइट्स सेल सही है। नेक्स्ट है, देर आर नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में कितने मसल्स होती है? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 639 मसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी? आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है, उसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? 130 दिन, 110 दिन, 100 दिन या 120 दिन? तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पान ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स? तो इसका लाइफ स्पान कितना होता है? इसका होता है 2 से लेकर 15 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्टिब्रेट दैट हैज़ टू चेम्बर्ड हर्ड? कौन सा वर्टिब्रेट है जिसके दो चैम्बर हर्ट होता है? तो फिश, स्नेक, ब्लू वेल और क्रोकोडाइल। तो इनमें से फिश एक ऐसा वर्टिब्रेट है जिसके दो चैम्बर हर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिब्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज़? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी रिब्स होती है? 23, 24, 25 और 22। तो 24 ह्यूमन बॉडी के अंदर 24 रिब्स होती है, 12 इस साइड में और 12 इस साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड? ऐसा कौन सा बर्ड है जो फ्लाइटलेस है और सबसे छोटा जीव है? कीवी, पेंगुइन, ओस्ट्रिक और रिया। तो पेंगुइन ऐसा जीव है जो उड़ नहीं सकता और सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, सूरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो सूरोलॉजी किस किसकी स्टडी को कहा जाता है? मॉस्किटोज़ की या स्नैक्स की या लिजार्ड्स की या कॉकरोच की? तो लिजार्ड्स की स्टडी को सूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, हॉर्मोन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा या फिर पैनक्रियाज के द्वारा? तो हॉर्मोन्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मास्टर ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड कहलाई जाती है, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADH, ADH की फुल फॉर्म क्या है, ADH की, तो एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन, एडेसिव डायूरेटिक हॉर्मोन, एसिडिक डायूरेटिक हॉर्मोन, एडिनोसिन डबल हॉर्मोन। तो ADH को एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी, जो ब्लड शुगर होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या क्या है, सी से लेकर 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड विसल इन द बॉडी, बॉडी के अंदर सबसे लंबी ब्लड विसल कौन कौन सी है, एल्विलाई, आर्टरी, एरोटा या फिर वेन। तो एरोटा यह सबसे लार्जेस्ट ब्लड विसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियज इम्प्योर ब्लड, तो इनमें से कौन इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एल्विलाई, एरोटा। तो पल्मोनरी आर्टरी ऑप्शन नंबर ए सही है, यह इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, किसने दुनिया का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल ने, विलियम हार्वे ने, क्रिस्टियन बर्नाल्ड ने, नन ऑफ द अबव। तो क्रिस्टियन बर्नाल्ड इन्होंने दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के कौन से एलोट्रोप नहीं है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, ग्लास। तो ग्लास ये कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, H2SO4, SO2, Na2SO4 या K2SO4। तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को कैसे कैसे अरेंज किया गया है। तो ये एक ऑप्शन सही है, ए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीरियड्स इन विच पीरियोडिक टेबल इज़ डिराइव्ड, तो कितने पीरियोडिक पीरियड्स में डिवाइड की गई है, तो 7 पीरियड्स में डिवाइड की गई है पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का कौन सा एक एलिमेंट नहीं है, तो हीलियम तो है, नियोन भी है, जीनोन भी है और हाइड्रोजन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन हाउ मच ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिक्सर, कौन सा एक मिक्सर नहीं है, तो स्टील मिक्सर है, एक एल्यूमिनियम भी है, ग्रेफाइट ये एक मिक्सर नहीं है और ग्लास भी मिक्सर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलॉयज़ आर हार्डर देन द प्योर मेटल, हार्डर देन द इम्प्योर मेटल, सॉफ्टर देन द प्योर मेटल या फिर सॉफ्टर देन द इम्प्योर मेटल। तो एलॉयज़ होते हैं वो हार्डर होते हैं
प्योर मेटल्स की अपेक्षा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव की जाती है। तो हाइड्रोजन रिमूव की जाती है उसको तो कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जिससे ऑक्सीजन रिमूव होती है उसको कहते हैं रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग इज एन रिएक्शन, रस्टिंग कौन सी रिएक्शन है, आयोनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो रस्टिंग है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीडेड फॉर रस्टिंग टू अकर, रस्टिंग के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, वाटर, ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन ये दोनों, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर एंड ऑक्सीजन ये दोनों ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एसिड्स आर कोरोजिव व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग, कोरोजिव व्हेन दे आर वीक, इरिटेंट व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग, नन ऑफ द अबव। तो कोरोजिव व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल कार्बोनेट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, जब एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉर्म होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज एन एल्कलाइन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक एल्कलाइन है, विनेगर, सलाइवा, अमोनिया, एसिड रेन। तो विनेगर तो एसिडिक है, सलाइवा भी एसिडिक है, और एसिड रेन भी एसिडिक है। तो अमोनिया ये क्या है, एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज किए गए हैं एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आइसोटोप, आइसोटोप क्या है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर। तो ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर, एटॉमिक नंबर किसको डिनोट करता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंस इज समटाइम्स कॉल्ड सेंट्रल साइंस, किस साइंस को सेंट्रल साइंस कहा जाता है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को या जियोलॉजी को। तो केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन, डाइजेशन में कौन सा एसिड मदद करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये एसिड है, ये डाइजेशन में मदद करता है। तो ये थे 40 क्वेश्चंस। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।